हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के शब्दार्थ। अब देखिए, जब आप पेज नंबर 64 ओपन करेंगे तो इसमें आपको शब्दार्थ मिलेंगे। कौन से शब्दार्थ हैं आपको देखना है। हमने कल जो चैप्टर पढ़ा था डाकिये वाला, उसमें कुछ शब्द आए थे, उसके अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ। मुख्य, मुख्य यानि प्रधान, यानि कि मेन हेड। मुख्य यानि प्रधान, क्या होता है मुख्य यानि प्रधान। वृद्ध, वृद्ध यानि बूढ़ा, वृद्ध यानि बूढ़ा। ग्रामीण, ग्रामीण यानि गांव का, ग्रामीण यानि क्या होता है गांव का। एक एक शब्द का आपको एक एक अर्थ आना चाहिए। मुख्य यानि प्रधान, वृद्ध यानि बूढ़ा, ग्रामीण यानि गांव का, पेकर यानि पे करने वाला, पेकर यानि पेक करने वाला। सम्मान, सम्मान यानि इज्जत, सम्मान यानि इज्जत। बेसब्री, बेसब्री यानि बहुत अधिक प्रतीक्षा से, बेसब्री यानि बहुत अधिक प्रतीक्षा से, बेसब्री यानि बहुत अधिक प्रतीक्षा से, अधीरता से। तबादला, तबादला यानि ट्रांसफर, तबादला यानि ट्रांसफर। निकट, निकट यानि पास, निकट यानि पास। पोस्टमैन, पोस्टमैन यानि डाकिया, पोस्टमैन यानि डाकिया। संतुष्ट, तृप्ति का भाव, संतुष्ट यानि तृप्ति का भाव। अब बच्चों हम एक बार और इनको रिपीट करेंगे। मुख्य यानि प्रधान, वृद्ध यानि बूढ़ा, ग्रामीण यानि गांव का, पेकर यानि पे करने वाला, सम्मान यानि इज्जत यानि रेस्पेक्ट, बेसब्री बहुत अधिक प्रतीक्षा से, अधीरता से। तबादला यानि ट्रांसफर। अब ये देखो, ट्रांसफर क्या है, एक इंग्लिश का शब्द है। निकट यानि पास, पोस्टमैन यानि डाकिया, संतुष्ट यानि तृप्ति का भाव यानि सेटिस्फाइड। अब आते हैं हम आगत शब्द। आगत शब्द बच्चों क्या होता है आपको पता है। आगत शब्द, आगत शब्द में कुछ शब्द हिंदी के और कुछ शब्द उर्दू के मिक्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम आगत शब्द। पब्लिक, पब्लिक क्या है अंग्रेजी शब्द। रजिस्ट्री अंग्रेजी, मोबाइल फोन अंग्रेजी, पोस्ट ऑफिस अंग्रेजी। इंतजार उर्दू फारसी, दरवाजा उर्दू फारसी। तो ये इंतजार और दरवाजा क्या है उर्दू फारसी है। स्कूल अंग्रेजी, पार्सल अंग्रेजी, साइकिल अंग्रेजी, रेस्ट हाउस अंग्रेजी। बावजूद और मुकाबले, बावजूद और मुकाबले क्या है उर्दू फारसी शब्द हैं। अब आप देखिए उर्दू फारसी कौन कौन से हैं, इंतजार, दरवाजा, उर्दू फारसी, मुकाबले। और उर्दू फारसी में कौन कौन से शब्द आ गए, बावजूद। अब देखिए बच्चों, तरक्की, तरक्की भी हम किस में बोलते हैं उर्दू फारसी में। काफ़ी उर्दू फारसी, तनख्वाह उर्दू फारसी। पेंशन, पेंशन कौन सा शब्द होता है अंग्रेजी का। इंटरनेट अंग्रेजी का। बीए, बीए यानि ये बीए जो आपके डिग्री होती है ट्वेल्थ के बाद 3 साल का जो कोर्स होता है उसको बोलते हैं बीए। ये किसका शब्द है अंग्रेजी का। बेसब्री, बेसब्री है उर्दू फारसी। मज़ा उर्दू फारसी। कंप्यूटर अंग्रेजी का। जब हम आगत शब्द पढ़ते हैं तो इसमें अंग्रेजी और उर्दू फारसी के शब्द आते हैं। अब आपको बच्चों एक काम करना है, आपको एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट में आपको एक कॉलम बनाना है जिसको 2 भागों में डिवाइड करना है। एक भाग में आपको उर्दू फारसी लिखना है हेडिंग डाल के, और दूसरे भाग में आपको लिखना है अंग्रेजी। ये आप सेल्फ अपने आप करेंगे, इससे क्या है आपकी नॉलेज रहेगी। कभी आपको पूछा जाए जैसे मजा है और इंतजार है, दरवाज़ा है, मुकाबले हैं, तो ये सब कौन से शब्द कहलाते हैं, तो आप इसमें ऊपर जहाँ उर्दू फारसी लिखा है उसमें कॉलम डाल के हर एक शब्द में कोमा लगा के सुंदर सुंदर राइटिंग से, स्केच पेन से आप अपना ये चार्ट तैयार कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि हम कभी बड़े हों तो हमें इन शब्दों की पहचान आ सके। अब अगर आपको कहे कि एक 10-15 शब्द दे दिए आपको मैंने मान लो, और आपसे कह दिया कि ये शब्द आप अलग अलग छांटिए, तो आप कैसे छांटेंगे।
तो आपको याद तो होना चाहिए ना कि उर्दू फारसी शब्द कौन से हैं, अंग्रेजी शब्द कौन से हैं। तो इस तरीके से हम इन शब्दों को अलग अलग करेंगे। अब आते हैं हम वर्तनी विभिन्न पे। तो हम वर्तनी विभिन्न में मानक वर्तनी के शब्दों को देखेंगे जो कि अभी तक हमारे हिंदी भाषा में प्रचलित है। अब देखिए बच्चों, मानक वर्तनी शब्द, मानक वर्तनी शब्द क्या है? व्रत। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे व्रत कैसे लिखा है, व्र द आधा है क्योंकि द में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है और फिर लिखा हुआ है ध। तो यहाँ पे भी व्रत पहले क्या लिखते थे, द में ध जोड़ देते थे। अब हमें इस तरीके से नहीं लिखना है, ये रॉन्ग शब्द है हमारा। हमें व्रत इस तरीके से लिखना है। इंटरनेट, इंटरनेट में ई और ट के बीच में आधा न आ रहा है, ई और ट के बीच में जो आधा न आ रहा है उस आधे न को हटा के हम बिंदी कहाँ लगाते हैं, ट पे लगाएंगे कि ई पे लगाएंगे, ई पे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ई और ट के बीच में आ रहा है तो बिंदी पहले वाले शब्द में लगेगी। अगर ट और र के बीच में आता तो कहाँ लगती, ट पे लगती। तो अब हमारी जो बिंदी है ई पे लगेगी और ये जो इंटरनेट लिखा हुआ है वही शब्द सही है। द्वारा, द्वारा अब देखिए आधा द और इसमें किस क्या है, वारा। अब यहाँ पे पहले द में क्या जोड़ दिया था, व जोड़ दिया था। पेंशन, पेंशन में आधा न आएगा, पेंशन। लंबी, आधा म वाला शब्द नहीं लिखना है, मैं कौन सा लिखना है, बिंदी वाला। चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ देखो आधा ट हलंत वाला है। कंप्यूटर, संतोष, अंदर, उत्तीर्ण। अब आप देखेंगे चिट्ठियाँ, कंप्यूटर, संतोष, अंदर और उत्तीर्ण, ये जो शब्द हैं आपको वो लिखने हैं। संदेश, चिट्ठी, व्यक्ति, संतुष्ट, इंतजार। तो बच्चों ये देखो आप, यहाँ पे आधा न नहीं है, यहाँ ट के नीचे ठ नहीं है। व्यक्ति कैसे लिखा हुआ है, संतुष्ट कैसे लिखा हुआ है और इंतजार कैसे लिखना है। तो ये हो गया हमारा वर्तनी विभिन्न शब्द। कल हम क्या करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों आप आज का जो मैंने पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। कौन सा देखेंगे आप, चैप्टर 64। तो चैप्टर 64 पर आप आ जाइए और इसको एक बार दोबारा से रिवीजन करिए और यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।